यू विल सी द अनदर वीडियो ऑफ साम चैप्टर आफ्टर फ्यू डेज. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग साम चैप्टर. क्लास 8 के लिए हम लोग साउंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. साउंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ये साउंड क्या है? साउंड है क्या, इसके बारे में हम लोग अगर मैं पूछूं आपसे, क्या आप साउंड को देखते हो? जरूर कहोगे नहीं. क्या साउंड को मास होगा? नहीं. ऑब्वियसली साउंड क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइक लाइट इज साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक वाइज साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन कैसे कहेंगे कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है? किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को काम करने का क्षमता होगा, काम करने की एबिलिटी होगी, एबिलिटी टू डू वर्क होगा. ठीक है. तो ये साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग. साउंड को किस तरह का काम करने की क्षमता है? अलग अलग आदमी को अलग अलग एबिलिटी है काम करने का. लाइक वाइज अदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विल हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू डू वर्क. तो साउंड के पास किस तरह का कैपेसिटी है काम वो टू डू वर्क? वो क्या करता है? जब हमारे ईयर तक पहुंचता है तो हमें सुनने की का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. तो हम लोग डिफाइन करेंगे साउंड को, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. हम लोग के कान में ये सुनने का एबिलिटी सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. ओके चिल्ड्रन, देन लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट द अबाउट साउंड एनर्जी. तो ये इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कोई भी चीज जब वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा. भले ही कुछ साउंड को हम सुन सकेंगे, कुछ को नहीं सुन सकेंगे, लेकिन जहां कहीं भी वाइब्रेशन होगा वहां साउंड होगा, और उस साउंड को हम सुन भी सकते हैं चिल्ड्रन, और नहीं भी सुन सकते हैं. तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. हम लोग देख जानते ही है, बट इवन दो देन स्पीड ऑफ साउंड साउंड एट या ऐसे कहें साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कह दीजिए तो अच्छा रहे. इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर ये लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होता है. ये डेटा वेरी कर सकता है, किसी में 330 रहेगा, किसी में 340 रहेगा चिल्ड्रन. तो कंफ्यूज नहीं होना है, 330 भी लिखिएगा तो भी ठीक ही होगा, 340 भी ठीक होगा. स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड. ये भी वेरी कर सकता है, सो डोंट वेरी फॉर दैट. उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन पर्टिकुलरली इन स्टील अबाउट ये हो जाता है 5000 मीटर पर सेकेंड. सो बच्चों, हम लोग यहां क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम क्लोजली पैक्ड होते जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. तो एयर में इतना है, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड हो गया,
साउंड का स्पीड बढ़ गया, फास्टर चलने लगेगा वाटर में, उसके बाद स्टील में, मेटल में ये सबसे ज्यादा स्पीड से चल रहा है, वुड में भी चलता है ये, वो भी सॉलिड है बट नॉट एज मच फास्टर एज अदर थिंग अदर मेटल्स। देन चिल्ड्रन ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। यही कारण है ना कि हम लोग कभी आप लोग भी सुने होंगे और ऐसा लोग करेंगे नहीं जनरली, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि कभी मान लीजिए ऐसे तो सारा इंफॉर्मेशन होता ही है आदमी को, बट पढ़ाने के दरमियान बता रहे हैं आपको कि कभी ट्रेन का इंतजार है हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रेन आ रही है, या मान लीजिए इंफॉर्मेशन है फिर भी हम इस चीज को जानने के लिए ये कर सकते हैं कि हम एक बार ध्यान से सुन लेते हैं एयर में, मतलब खड़े हैं ट्रैक के पास और सुनते हैं कि ट्रेन की आवाज आ रही है कि नहीं, करीब आई ट्रेन की नहीं, इसके लिए हम लोग ऐसे खड़े होकर सुनते हैं उसकी आवाज, कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें सुनाई नहीं दिया मान लीजिए, अब क्या करते हैं हम लोग उसी समय अपने कान को रेल ट्रैक के पास सटाते रखते हैं, तो अगर ट्रेन आ रही होती है दूर में भी तो हमें उसकी आवाज सुनाई दे देती है। कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। एयर में हमको ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दिया, अब जब हमने अपने कान को रेलवे ट्रैक में सटाया तो हमें उसकी आवाज सुनाई देने लगी। इसका क्या मतलब है कि ट्रैक मेड ऑफ मेटल, उसमें साउंड का स्पीड ज्यादा है और इस तरह से हम जब कान को उस ट्रैक के पास सटाए तो हमें आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन एयर में साउंड का स्पीड बहुत कम है तो एयर के थ्रू हम ट्रेन की आवाज को नहीं सुन सके। ठीक है चलें, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा प्लीज, बिकॉज दोज हु आर वॉचिंग उनके लिए है, नहीं तो एज यू विश। उसके बाद साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, थ्रू द वैक्यूम, और वी कैन से इट नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कैरियर चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। जैसा कि यहां आपने देखा एयर में 340 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा मॉलिक्यूल से ज्यादा क्लोजली पैक्ड हुआ तो 1500, उससे भी ज्यादा हुआ तो 5000 हो गया, बहुत तेजी से चलने लगा। इसका मतलब क्या है, साउंड को कैरियर चाहिए और इसी कारण साउंड ट्रेवल वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकेगा। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, आप भी सुने होंगे जानते होंगे, हो सकता है कि मून पर दो आदमी एक दूसरे से बात करना चाहे तो क्या वो एक दूसरे की बात सुन सकेगा? अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझे होंगे तो जरूर आप आंसर दीजिएगा, नहीं सुन सकेगा क्योंकि वहां एयर नहीं है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, और वहां एयर है नहीं इसलिए वो लोग एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब क्या करता है, सपोज आपसे कोई कहता है कि दो जो आदमी मून पर है वो हेलमेट पहने हुए है और दोनों का हेलमेट टच कर रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है तो टच करता है दोनों का हेलमेट, तो क्या वो एक दूसरे की बात सुन सकेंगे? तो आप जने अगर समझा होगा तो जरूर आप आंसर दोगे कि वो सुन सकेंगे क्योंकि वहां हेलमेट मेटल है और एक दूसरे को टच कर रहा है तो साउंड एक आदमी से दूसरे आदमी के पास हेलमेट के थ्रू एक कान से दूसरे के कान तक पहुंच जाएगा और आदमी उसको सुन सकेगा। तो इस तरह से बच्चों हम कुछ फैक्ट है इससे रिलेटेड। अब साउंड ट्रेवल्स एज वेव,
वेव, ठीक है चलिए, ये वेव नाम सुने हैं आप लोग, हम लोग कहते हैं वेव उठ रहा है, पानी के सरफेस पर वेव उठ रहा है कहते हैं ना, तो ये साउंड जो है वेव की तरह ट्रेवल करता है। कैसे वेव की तरह ट्रेवल करता है, तो जब साउंड किसी मीडियम में प्रोड्यूस होता है, तो अब जैसे हम बोल रहे हैं तो साउंड मेरे मुंह से निकला, यहाँ के एयर मॉलिक्यूल में वो चला गया, हम यहाँ बोल रहे हैं एयर मॉलिक्यूल में गया, अब एयर मॉलिक्यूल को आगे पुश कर दिया, ठीक है, और साउंड यहां से यहां तक आया, अब यहां से साउंड दूसरे एयर मॉलिक्यूल को मिल गया, में ट्रांसफर हो गया, अब ये मॉलिक्यूल यहां चला, मतलब यहां से यहां पहुंचा के ये मॉलिक्यूल यहां चला है और फिर साउंड दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो यहां जो का मॉलिक्यूल जो यहां तक आया उसी में फिर लौट के आया, गया लौट के आया, तो वही वेव के रूप में साउंड चला, जहां से प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस हुआ वहां से दूसरे जगह तक वही वेव के रूप में चला। तो थोड़ा सा जानिए, ये क्लास 9 में आप पढ़िएगा इसको डिटेल में, तो उस तरह से यहाँ के मॉलिक्यूल को आगे धकेल दिया तो वहां कंप्रेशन दब गया और फिर चलाया यहाँ, तो यहाँ कंप्रेशन हो गया, एयर मॉलिक्यूल दब गया और यहाँ एयर मॉलिक्यूल कम था, ये रेरिफेक्शन हुआ, अब फिर ये कंप्रेशन आगे बढ़ जाएगा, यहाँ रेरिफेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से साउंड एक जगह से दूसरे जगह तक वेव के रूप में चलता है। बच्चों अभी आई थिंक यू वुड बी गेटिंग कंफ्यूज बाय लिसनिंग दिस वर्ड वेव, तो कोशिश कीजिए समझने का, साउंड बिना किसी मीडियम के तो चलेगा नहीं, तो मीडियम में ही वो मीडियम को कैरियर बनाता है, नहीं हमको यहां से वहां तक पहुंचा तो कैरियर बना के जो एक जगह से दूसरे जगह जिस तरीके से जाता है उसी को हम लोग वेव कहते हैं, तो साउंड वेव के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इन सारी बेसिक चीजों को हमने देखा अभी तक। अब बस एक एक्टिविटी आज के वीडियो में बता के फिर से मैं अगले दिन के लिए वीडियो को रखूंगी, तो बच्चों एक एक्टिविटी मैं आपको दिखा देती हूँ। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो मैं आपको वो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, मैं जब बोर्ड को स्ट्रक कर रही हूँ तो भले ही हमको बोर्ड का सरफेस वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, इसीलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, भले ही वो नहीं दिखाई देता हो, तो उसके बाद फिर मैं दूसरा एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ एक रबर बैंड के थ्रू। चिल्ड्रन लुक एट दिस, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, हमने रबर बैंड को दो फिंगर के बीच इस तरह से स्ट्रेच करके इसको जब हम इस तरह से प्लग कर रहे हैं, स्ट्रक कर रहे हैं, तो हमको साउंड सुनाई दे रहा है। यही बात तो गिटार में, वायलिन में, सितार में होता है बच्चों, उसमें स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं आपको दिखाती हूँ एक और एक्टिविटी, इसे ध्यान दीजिएगा इस पर। चिलन, ये एक रूलर है, इस रूलर को के एक एंड को हम टेबल पर रख देंगे और दूसरे एंड को इस तरह से प्लग करते हैं, तो हमें साउंड सुनाई देता है, इसका वाइब्रेट करता है और साउंड इसका सुनाई देता है। चिलन सो, तो इसे आप भी करके देख सकते हो, मोबाइल वाइब्रेट करने लगा इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो ये जो है इसके एक इंड को टेबल पर प्रेस कीजिए इस तरह से और दूसरे इंड को इस तरह से स्ट्रक कीजिए, तो आपको साउंड सुनाई देगा। इस तरह से ये सारा एक्टिविटीज शो करता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ओके, अब वो ये हो गया इतना दूर तक, अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा इतना ही तक आज रहने देते हैं चिल्ड्रन, तो ये बेसिक थिंग्स हो गया साउंड से रिलेटेड। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा लंबा भी तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसे देखिए, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग के लैब में रहता है एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, फॉर्क मीन्स चिमटा, जो हम लोग रोटी बनाने के काम में लाते हैं वो फॉर्क हुआ। और इसमें एक फिजिक्स प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, इस तरह का ट्यूनिंग फॉर्क है। इसको पकड़ने वाला ये स्टेम है और इसको कहते हम लोग प्रोंग्स। इस दोनों को कहेगा प्रोंग। अब ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग यहाँ एक पेंडुलम बॉल को हम यहाँ लटका के रखे, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को जब स्ट्रक करेंगे हम तो वाइब्रेट होगा, ये सोचने वाली बात है। अब ट्यूनिंग फॉर्क को इसके साथ एक रबर पैड मिलता है, एक्सपेरिमेंट के समय आपको लैब में मिलेगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क हाथ में रख लिए और नहीं रबर पैड को हाथ में रख लिए और इस ट्यूनिंग फॉर्क को उस पर स्ट्रक करते हैं, स्ट्रक करते हैं। तो आपको ये ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोंग्स वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको हमिंग साउंड सुनाई देगा, इस तरह का साउंड सुनाई देगा, लेकिन ये फॉर्क वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो हम इसने तो हमें कंफ्यूज कर दिया कि ये हमिंग साउंड कहां से आ रहा है, वाइब्रेट तो ये कर नहीं रहा है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम इस बॉब के पास, पेंडुलम के बॉब के पास ले जाते हैं। तो आप क्या देखिएगा, जैसे ही वो सटेगा बॉल या बॉब के पास, तो ये अपने जगह पर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि ये प्रोंग वाइब्रेट कर रहा था, जिसने अपना वाइब्रेशन इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, और वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। बच्चों ये क्यों, इसका वाइब्रेशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा था बहुत ज्यादा स्पीड से, इसलिए इसका वाइब्रेशन हमको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमने इसमें टच कराया तो इसका वाइब्रेशन हमको दिखाई देने लगा और ये पेंडुलम अपने जगह पर ऑसिलेट करने लगा। इस तरह से हमको पता चलता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ऑल्दो वाइब्रेशन का स्पीड ज्यादा था, दिख नहीं रहा था, लेकिन हमिंग साउंड हमें सुनाई दे रहा था। और हम कंफर्म कैसे हुए, इसको इस बॉल के पास ले जाके, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, एक कंटेनर में वाटर ले लेते हैं, इस पर इसका काम सरफेस रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा। अब जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ टच कराइएगा तो उसमें रिपल प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर के सरफेस पर, और इस तरह से ये भी शो करता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। तो बच्चों ये हमारा हो गया इतना छोटा सा टॉपिक साउंड का, इतना समझिए, देखिए और कोशिश कीजिए अच्छे से समझने का। चिल्ड्रन, तो मैंने एक क्लास 8 का फ्रिक्शन का तो वीडियो बनाया था, लेकिन साउंड का नहीं बनाया था, बहुत लंबा गैप भी हो गया। तो बच्चों देखो, समझो, सब्सक्राइब करो और टू द पॉइंट आई एम टीचिंग, जैसे बुक में आपके सिलेबस में रहता है। ज्यादा पढ़ाने से तो फिर आपको मुश्किल होगा, क्योंकि जब क्लास धीरे धीरे बढ़ता है तो टॉपिक भी धीरे धीरे ज्यादा इलेबोरेट होना चाहिए। जितना छोटा छोटा हम आपके लेवल में, आपके एज में समझ सकते हैं, मैंने उतना बताया। और समझने का कोशिश कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और वीडियो देख के शो कीजिए कि हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखो भी चिलिन, ताकि मुझे लगे कि बच्चे देख रहे हैं, मेरे हार्ड वर्क का किसी को एडवांटेज मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोज हु आर वॉचिंग, एंड टेल अदर्स ऑल्सो टू वॉच। थैंक यू सो